पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन। गुजरते लम्हों में वफाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू है तो मेरा नाम है। तपती दोपहर में नखलिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी जात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड फैन। पब्लिक रिएक्शन शो में आपकी होस्ट सलीना तारिक करती है आपको वेलकम। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तानी अवाम को 14 अगस्त की बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जश्न आज़ादी मुबारक मेरी तरफ से और PRS टीम की तरफ से तमाम मुस्लिम ममालिकान को जश्न आज़ादी मुबारक। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हम एक हैं और हम मुत्तहिद हैं। तो आइए आज पास्ट में जाके उन तमाम हस्तियों को, उन सब पर्सनालिटीज़ को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं कि उनकी काविशों से, अगर मैं बात करूं लीडरान की, अगर मैं बात करूं लीडर की, तो कायद अजम मोहम्मद अली जना, लियाकत अली खान, जिनकी वजह से पाकिस्तान हमें हसूल आज़ादी मिला। अगर मैं बात करूं पोइट्स की, अलामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, बानो कुदसिया, इशफाक अहमद। अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट की तो डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अगर मैं बात करूं क्रिकेटर्स की, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, इस तरह और भी बहुत ज़्यादा, इमरान खान। और अगर मैं बात करूँ पोइट्स की, ऑथर की, तो अगर मैं बात करूँ सिंगर्स की, नुसरत फ़तेह अली खान, इसी तरह रेशमा। ये बहुत सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को उनकी असल पहचान मिली है, पाकिस्तान का नाम इसी वजह से रोशन होता है। तो आज मैं उन सब को खराज अकीदत पेश करती हूँ और सलाम पेश करती हूँ हर एक सिविलियन को जिनकी वजह से पाकिस्तान आज आज़ाद है, खुश है और खुशबाश है। आइए लोगों से जानते हैं कि वो अपनी 14 अगस्त कैसे मनाएंगे और क्या क्या उनके प्लान्स हैं और किस तरह वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे लोगों को, उन हस्तियों को। तो जाने से पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माही चौधरी। मोहम्मद तनवीर। मिसेस तनवीर। अली माजिद। राबिया। निशान जिया। यूसुफ। मोहम्मद सलमान। तैयब नुमान। मोहम्मद शाहिद। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज़ादी हमें कब मिली थी? आज़ादी हमें 1947 में मिली थी। ओके, 14 अगस्त 1947। अभी हम कितना योम पाकिस्तान मना रहे हैं? 73 आ गया ली। आप 50 भी ले गई है। 60 something 74 70। देखो सबसे छोटा 90। नहीं 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 बेटा, 74 90 में ना तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। अब हम मना रहे हैं, लेट मी थिंक, आई थिंक मे बी 75। मैं 73rd है। ये 70 प्लस ही है, थोड़ा कम ही है पहले से, क्योंकि मुल्क के, हाँ जी 50%, मुल्क के हालात से कम हो जाएगा। वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ। अच्छा महीन, मेरी जो ये टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव है इसका, है हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं। आइदर अगर मैं बात करूं दूसरी कम्युनिटीज़ की, माइनॉरिटीज़ की, सिख, हिंदू, बरादरी जो भी हैं, तो ये हम सबका पाकिस्तान है, क्या कहती हैं आप इसके बारे में? जी यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुआ ना, तो पाकिस्तान ही उनका अपना मुल्क हुआ ना। बिल्कुल, हम सब जो, क्योंकि हम लोग बड़े दिल के हैं, सबके लिए पाकिस्तान है और सब एक हैं, हिंदू हैं, दूसरे हैं, हम लोग तो सबसे मोहब्बत से पेश आते हैं, वो लोग आए ना आए, बाकी कंट्रीज़ का कह नहीं सकते, लेकिन सबका है पाकिस्तान। ऑब्वियसली जब हम एक होने की बात कर रहे हैं तो हम सबका पाकिस्तान है, बेशक हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारे इवेंट्स डिफरेंट है, लेकिन हम इकट्ठे रहते हैं और हमारी एक ही सोसाइटी है, वी आर वन। बिल्कुल, आपकी क्या राय है? सेम नहीं, सेम नहीं राय। मतलब हम पाकिस्तान बनाने का मकसद ही ये था
कि यहाँ पे सब जितने भी कल्चर हैं सारे एक ही झंडे के नीचे सेम। हाँ जी बिल्कुल, हम सबका पाकिस्तान है और हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। आप भी कहते हो? हाँ जी बिल्कुल, जो कि जिस लोग जिस गन वगैरह करते हैं वो नहीं करना चाहिए, जो कि सबका पाकिस्तान है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं ऐसा क्या है, मुझे बताइए कि दूसरी बरादरी भी यहाँ पे रहती हैं, ये उनका सबका पाकिस्तान है, उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं, वो अपने जो फेस्टिवल हैं वो इन्जॉय करते हैं? हाँ जी मिलने चाहिए, करते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कायदे आज़म ने हमारे जो झंडे का रंग है वो वाइट है, और वाइट जो है वो शो करता है माइनॉरिटीज़ को, ग्रीन शो करता है मेजॉरिटीज़ को। हाँ जी देखें जी, जो यहाँ रहते हैं ये उन सबका पाकिस्तान है, चाहे उसमें सिख आ जाएँ चाहे वो क्रिश्चन आ जाएँ, सबको मतलब हम वतन हो के हाँ इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल, ये तो देखिए ना, आपके जो जितने भी आप जहाँ मर्जी से ले लें, जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा चाहे इक्तदार में जो मर्जी हो लेकिन सबको इक्वल राइट्स देते हैं। ठीक है, तो अब अभी भी यही मैसेज है सबको कि देखें जी, किसी को भी कमतर ना समझें। ठीक है, और पाकिस्तान में सब बराबर हैं सबके लिए। जब पाकिस्तान का मैच होता है तो चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू भी हों, इवन जो मर्जी हो, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का थीम ही ये था, हमारा फ्लैग ही रिप्रेजेंट करता है, वी आर ऑल वन ग्रीन एंड वाइट। हमारे लिए सारी की सारी मिनोरिटीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और पाकिस्तान में जो है सब लोग जो है अमन और सुकून के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान में हम मुस्लिम जो है वो उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन बाकी सब लोग भी हमारे भाई हैं और हम सब का एहतराम करते हैं। वीडियो में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम लोग, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन तमाम पर्सनैलिटीज़ को जिसकी वजह से पाकिस्तान हमें मिला। आइधर मैं बात करती हूँ लीडर की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। आइधर मैं बात करती हूँ सिंगर्स की, राहत फ़तेह अली खान, नूरजहां बेगम। अगर मैं बात करती हूँ साइंटिस्ट की तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम। और इसी तरह अगर मैं बात करी हूँ डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी की, और अगर मैं बात करूँ दूसरे लोगों की, हमारे सोल्जर्स की, लाल जान शहीद, मेजर अब्दुल अजीज भट्टी, तो उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आपको कैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? आज हम उनकी वजह से ही हैं। बिल्कुल, उनकी उन सब की वजह से आज हम हैं, तो मेरा ख्याल उनके लिए तो अल्फाज जितने भी करें कम है, मतलब बयान कर ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जिस मुकाम पे भी हैं उन्हीं के लिए हैं, तो यही सबसे बड़ा है कि भाई इससे बढ़ उन्होंने आज हमें ये मुकाम दिया, हमें आज़ादी दिया, आज़ादी से हम घूम फिर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी जो आज़ादी से गुजार रहे हैं। उनके बारे में हम लोगों को कोर्ट्स लिखनी चाहिए 14 अगस्त पे भी, उनके जैसे पाकिस्तान का फ्लैग उनके लिए भी कोर्ट्स लिख के ऐसे चार्ट पेपर के ऊपर कुछ करना चाहिए। ट्रिब्यूट यही है कि आज उनकी जो सारी जो स्ट्रगल थी उनकी, उसकी वजह से हम एक हैं और हम अपनी खुशियों में उनको नहीं भूल सकते। ठीक है, उनकी वजह से हम यहाँ हैं या रहेंगे या थे, तो आज जो हमारा क्रेडिट है हमारे आज़ाद होने का, हमारे रहने का, हमारी खुशियों का, सारा ऑल द थिंग्स गोज़ टू देम। बिल्कुल बिल्कुल, हीरोज़ हैं ये लोग हमारे, अभी तक जो अभी इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी हमने याद रखा हुआ है, तो यही वजह है कि मतलब याद करें आज के दिन तो नहीं याद करें। हमें मिला पहले, सबसे पहले हम अल्लाह ताला के शुक्र गुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया है जहाँ पे हम रह रहे हैं। उसके बाद इन सब के हम लोग ऑनेस्टली है कि हम लोग इनके यानी कि इनकी वजह से हमें मिला है। इस मुल्क की हिफाजत करके उनको याद रखेंगे, इस मुल्क का ख्याल रखेंगे इस तरह उनकी याद में। आप बताओ इसी तरह क्या अपनी राय दो, उनको हर बात में याद रखना चाहिए, कुछ उनकी बातें जो हमें फॉलो भी करनी चाहिए, मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है आंटी, मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क का ख्याल भी रखना चाहिए और जो चीज़ें उन्होंने कही हैं उन पे अमल भी करना चाहिए। मतलब हम एक थैंक्स तो उनके लिए एक छोटा लफ्ज़ है, जिस तरह जो इनकी खिदमात हैं, जिस तरह उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को, तो सबको सलूट ही कर सकते हैं, इसमें चाहे क्रिकेटर्स हों चाहे हमारे एक्टर्स हों या जो भी, खास तौर पे जो हमारे पाक आर्मी के सोल्जर्स हैं, सबको सलाम कर सकते हैं और सबको सलूट पेश कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इनको खराज तकसीम पेश करूंगा और बिल्कुल इनको सलूट करूंगा, ऐसे हस्तियों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में जो है बहुत जद्दोजहद की और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, डटे रहे, लड़े, जंग की और पाकिस्तान को वजूद में लाए। कुर्बानियाँ हैं सबकी और पाकिस्तान कुर्बानियों की वजह से मिला हमें और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए पाकिस्तान की। आप कितने की हिफाजत करते हैं? बिल्कुल कानून वगैरह कैसे हिफाजत करते हैं आप? सबके कानून वगैरह फॉलो करें। और प्यारा मिली नगमा कौन सा लगता है? जी जो हमारा दिल पाकिस्तान है, बोले आप दोनों सुनाए करते। दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ।
थैंक यू सो मच। दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मेरा दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान है, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। आवाम के लिए, पाकिस्तानी कंट्री के लिए कोई भी पॉजिटिव मैसेज? मैसेज ये कि हमें एक होने की जरूरत है बस। पता, हम लोग इस चीज़ का दावा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जब कोई मौका ऐसा आता है दिखाने वाला दूसरों को, तो सब लोग एक हो जाते हैं। साफ रखना चाहिए, जैसे कहते हैं कि हम बाहर का मुल्क में जाएं वो बहुत साफ़ सुथरा होता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? वहाँ यहाँ कोई आ जाए वो कहता है यहाँ पे डस्ट बहुत है, वहाँ पे मास्क लगा के निकला करो, तो हमें भी अपने मुल्क को साफ रखना चाहिए। हमारा सेफ ग्रीन क्लीन ग्रीन जी। बी पॉजिटिव, बी टुगेदर, बी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा बी ऑनेस्ट। सेम नहीं कहूँगी कि ये हमारा मुल्क है और इसको हमने ही साफ रखना है। पॉजिटिव मैसेज यही है कि एजुकेशन को जो है वो आगे बढ़ाएं। जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन में बिल्कुल गिव अप ना करें, एजुकेशन को जो है प्रमोट करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं अपने जो है फ्यूचर बनाएं और अपना पैसा एजुकेशन में ज़्यादातर इन्वेस्ट करें, क्योंकि यही यंग जनरेशन ही हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान। जितनी विशेष है, मेरी जितनी दुआएँ वो पाकिस्तान के लिए हैं, और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला अगले साल जो मुल्क की कंडीशन है कोरोना से माशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर हो, जो इवेंट्स हों, क्योंकि मैं बेसिकली कवाली करता हूँ, तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, ये शादी हॉल से इनको खोला जाए, ठीक है, इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, और टैलेंट सिंगिंग को, जिससे सूफीज़म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा ये रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि किस तरह अपनी इंडिपेंडेंस को मना रहे हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।